अगर आप भी WhatsApp चला रहे हैं तो साइबर ठगों से हो जाए सावधान। WhatsApp पर लिंक भेजकर आपके बैंक खातों पर लगा देगा झाड़ू। नालंदा पुलिस ने ऐसे साइबर ठगों का भंडाफोड़ किया है। साइबर DSP ज्योति शंकर ने लोगों से अपील की है। फोन हैकिंग स्कैमर्स ने नया हथकंडा अपनाया है। वे लोगों को WhatsApp पर लिंक भेजकर उनके बैंक खातों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। नालंदा जिले में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। साइबर अपराधी लोगों को WhatsApp पर मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप को अपडेट कर ले और उसके साथ APK फाइल भेजी जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को इंस्टॉल करता है उसका पूरा फोन हैकर के कंट्रोल में आ जाता है, जिसके बाद सबसे पहले WhatsApp को कंट्रोल में लिया जाता है, जिसके बाद OTP के माध्यम से बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ हो जाते हैं। नालंदा जिले में भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं जिसमें 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर DSP ज्योति शंकर ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान ऐप या लिंक पर क्लिक नहीं करें। उन्होंने कहा कि बैंक कभी भी फोन या मैसेज के माध्यम से ग्राहकों से उनकी बैंकिंग जानकारी नहीं मांगते हैं। को कंट्रोल करते हैं WhatsApp को पोर्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन OTP लिया जाता है वो ऑटोमेटिकली किसी नंबर फॉरवर्ड होता है, उसके बाद WhatsApp हैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। WhatsApp को कंट्रोल करने के बाद उनके पास ओरिजिनल मोबाइल नंबर होता है और दुर्भाग्यवश अगर वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उस केस में वो फिर प्रयास करते हैं पैसे ठगी कर उससे पैसे निकालने का। तो हमारे पास जो केस है उसमें लगभग 25 लाख रुपए की ठगी हुई है इस माध्यम से, और इससे बचाव का सबसे पहला उपाय है कि कोई भी ग्रुप में ये बेसिकली ये पर्टिकुलर गैंग जो है ये टारगेट कर रहा है WhatsApp ग्रुप्स को, और APK फाइल का नाम वो कुछ इस तरह से रखते हैं जो WhatsApp ग्रुप से रिलेटेड हो। जैसे हमारे यहाँ जो कांड दर्ज हुआ है उसमें PNB के नाम से है। CSP ग्रुप को अगर अटैक कर रहे हैं तो उसका नाम CSP रिलेटेड कुछ रखा हुआ है उन्होंने। डांस क्लासेस हमारे पास एक ग्रुप है नालंदा ज़िला का, उसमें एक मैसेज आया था APK करके। मैंने उसको जब इंस्टॉल किया तो उसके बाद वो हमारा पूरा WhatsApp Facebook सब हैक कर लिया और हमारे WhatsApp से सारे जितने WhatsApp ग्रुप थे सारे पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है और हमारा बस वही इशू है। और हमारा WhatsApp Facebook सब है पूरे तरीका से हैक किए हुए, फ़ोन पे गूगल पे सब हैक किए हुए। तब तक यहाँ आए साइबर क्राइम में तो सर बोले कि अपना सिम निकाल लीजिए और ऑनलाइन के FIR करके। यहाँ कितने रुपए का अभी तक फ्रॉड हुआ है? हमारे पास रुपये का फ्रॉड नहीं हुआ है अभी। आप लोग को सूचना थाना में हाँ लोग आए हुए हैं, क्या पता चला? पता चला है कि हमारे पहले से ये क्राइम चल रहा, 5-6 साल तो घटना घट चुकी है हमारे पहले से भी, हमारे साथ भी घटना घटा है। क्या नाम है आपका? अमित भारती। कहाँ करें? पावापुरी। अमित भारती।